नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता रहे जहानाबाद के रामजतन शर्मा, अब जदयू में शामिल हो गए हैं। इतनी धूमधाम से शामिल हुए कि पूरा बापू साहब अगार बुक कर लिया, हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। मौके पर प्रशांत किशोर और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद रहे। रणवीर नंदन, जो जदयू के एमएलसी हैं, वो भी मौजूद थे मौके पर, और अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। ये सब लोकसभा चुनाव के एन पहले हो रहा है, तो कयास कुछ इस तरह लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जहानाबाद की सीट पर जदयू रामजतन सिन्हा पर भरोसा जता सकती है। जदयू में शामिल हुए तो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे खूब कसे। जब मंच पर गए तो क्या कुछ कहा रामजतन सिन्हा ने, खुद सुनिए। प्रधान जी, रामजतन बाबू जिंदाबाद, 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 वशिष्ठ नारायण सिंह जिंदाबाद। प्रधान जी के आगे नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा नाम है जो ऐसी ताकतों को सत्ता में जाने से रोक सके, तो हम समझते हैं आप तमाम लोग इस बात से सहमत होंगे, नीतीश कुमार ये ऐसी ताकतों को रोक सकते हैं, और जो लोग हमारी बात से सहमत है वो हाथ उठाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि सारे लोग ये मानते हैं कि हम ऐसी ताकतों को जो जाति उत्पाद पैदा करना चाहते हैं, जो बिहार को जलाना चाहते हैं, जो जातीय विध्वंस पैदा करना चाहते हैं और नरसंहारों का दौर वापस लाना चाहते हैं, वैसी ताकतों को रोकना है तो नीतीश कुमार ही बिहार में एकमात्र विकल्प है। और इसलिए छात्रों के बीच में भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो नौजवान बिहार के हैं उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिले, और इस काम में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में छात्र जदयू के प्रभारी रणवीर नंदन जी जो एमएलसी है, श्याम पटेल जी जो छात्र जदयू के अध्यक्ष है, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में छात्र जदयू को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और जो दुआ हमारे हैं बिहार के, तो रामजतन सिन्हा खूब धूमधाम से जदयू में शामिल तो हो गए। अब आगे देखना है कि जदयू उन्हें लोकसभा 2019 के रण में जहानाबाद से उतारती है या नहीं। बहरहाल, बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका शुक्रिया।